तो जिसके जीवन में चार बातें होती हैं भाइयों बहनों, याद रखना, उसके जीवन में सोया हुआ भाग्य भी उदय हो जाता है। नंबर एक, कबीर का दोहा है, कबीर ने कहा है कि सौभाग्य उदय करने की चार चाबियां हैं, जिनकी किस्मत साथ नहीं देती है, जिनका भाग्य फूटा हुआ है, जो लोग बहुत ठोकरे खा चुके हैं दुनिया में, आज उनके लिए रास्ता बताने जा रहे हैं। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैरा, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़े भाई। ये चार चीजें, नंबर एक गुरु सेवा। भगवान राम को क्या मिला था, भगवान श्री कृष्ण को क्या मिला था? गुरु की सेवा मिली थी। और गुरु की सेवा करते करते राम जगत पूज्य बन गए। कृष्ण भगवान उज्जैन नगरी में आकर संदीपन गुरु की सेवा किया था, विश्व वंदनी बन गई गुरु सेवा, गुरु कृपा उनको मिल गई, जन बंदगी। और दूसरी चीज, जिनके हाथों से, जिनके द्वारा भाइयों और बहनों जन कल्याण होता है, परोपकार होता है, जिनका धन तन मन बुद्धि जन सेवा में लगती है, उनका भाग्य चमकता है। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग। और याद रखना, जिनको सत्संग प्रिय लगता है, जो सत्संग सुनकर ही खुश होते हैं, जो भूखे रहना पसंद कर लेते हैं लेकिन सत्संग छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिनको प्रवचन का एक एक शब्द अमृत जैसा लगता है, ऐसे लोगों का भाग्य उदय हो जाता है। पांचवी चीज, वैराग्य। और जिनका जीवन जल में कमल जैसा है, जिनका जीवन जल में कमल जैसा है, कहीं रहते हैं, किसी की बुराइयां नहीं सीखते हैं, किसी में लिप्त नहीं होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जिनका मन गंदी आदतों में फंसता नहीं है, जो लोग संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहते हैं, ऐसी जीने की कला जिनमें आई है, और जिनका जीवन परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस चौपाई को चरितार्थ करता है। जो परोपकार के लिए अपने गांव में सत्संग भी कराते हैं, जैसे चिखली वासियों ने सत्संग करवाया, हमारे दुली सिंह, रमेश सिंह और कितने सिंह हैं यहाँ, सभी सिंह दहाड़ रहे हैं और प्रवचन की गंगा प्रवाहित करा रहे हैं। ये समस्त ग्रामवासियों ने आज सैकड़ों गांव के नरनारियों को अपने गांव की धरा पर आमंत्रित करके बुलाया है, और ऐसा लगता है कि चिखली गांव में घर घर त्योहार मनाया जा रहा है। सबके घर में मेहमान भरे हुए हैं। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है, लगता चिखली गांव में घर घर त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है, लगता चिखली गांव में घर घर त्योहार है।
घर घर त्योहार है, घर घर बहार है, लगता चिखली गाँव में घर घर त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है, सुन लो मेरे भाई बहना, जय हो बंदगी, भाव से गाइए, आज त्योहार है हमारे चिखली में। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है, लगता चिखली गाँव में घर घर त्योहार है, लगता चिखली गाँव में घर घर त्योहार है, घर घर त्योहार है, आता बहार है, घर घर त्योहार है, आता बहार है, लगता चिखली गाँव में घर घर त्योहार है, लगता चिखली गाँव में घर घर त्योहार है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मैं अपने गुरु से दुआएं मांगता हूँ कि आप सबके गाँव में भी ऐसा प्रोग्राम हो और मैं आपके गाँव में भी आऊँ, वहीं दो तीन दिन रहूँ और वहीं सोऊं, आपकी रोटी खाऊं और वहीं प्रवचन सुनाऊं। आप भी मुझको बुला लेना, तुम बुलाओगे नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे ये भी सोच लेना। हमारे 700 प्रोग्राम बुकिंग हैं, 700, और 80 प्रोग्राम मैं साल में कर पाता हूँ और 700 प्रोग्राम की मांग है, क्योंकि मैं सस्ता भी करता हूँ और सहज करता हूँ, और जो कुछ है सब ओरिजिनलिटी करता हूँ, डुप्लीकेटिंग बिल्कुल नहीं। जो बात कहता हूँ वो अपने भी आचरण में रखता हूँ, ऐसा नहीं कि तुमको ज्ञान की बात सुनाऊँ स्वयं अज्ञान के अंधेरे में रहूँ, ऐसा नहीं है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा, आज इस पावन धरती पर आप आए हो, गुरु के चरणों में अपनी एक एक आदत को दान करना, एक एक बुराई को भी छोड़ कर जाना। आपके पास में बुराइयों का लंबा चौड़ा स्टॉक है, उस स्टॉक को थोड़ा खाली कर दो। बीड़ी पीने की आदत है उसको छोड़ दो, शराब पीते हो तो उस आदत को भी छोड़ दो, अगर गाली देते हो थोड़ा गाली भी छोड़ो, भजन गाना शुरू करो। और यदि आलस्य की आदत है तो आज संकल्प लेकर जाना कि आलस्य कभी नहीं करूँगा। यदि माँ बाप से कभी कभी ऐठ जाते हो तो उस आदत को भी आज छोड़ देना, माँ बाप से ना ऐठना, क्योंकि माँ बाप के शरीर से ही तुम्हारा शरीर बना है। अब उनके द्वारा बना हुआ शरीर उन्हीं से ऐठने लग जाए तो माँ बाप को बहुत दुख हो जाता है, इसलिए मैं निवेदन करूँगा माँ बाप से नम्र ही रहना। और एक निवेदन और करूँगा कि अपने घर की माताओं बहनों को खुश रखना, उनको रुलाना मत, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा भी कर देना। और माताओं बहनों से भी कहूँगा कि तुम जिद ना करना, हठ ना करना, और अपने घर में गुरु जी का वातावरण बनाना, सब तरफ लगे कि अमृत वाणी गूंज रही है, गाड़ी में बैठो तो भी प्रवचन की आवाज़ सुनाई दे, और घर में रहो तो भी जब खाली हो जाओ तो प्रवचन सुना करो, इससे बहुत सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, बहुत बीमार ना होना। अभी एक सज्जन मुझे मिले थे हरदा जिले में, कह रहे थे दुनिया की कोई बीमारी बची नहीं जो हमारे ना हो। तो हमने कहा क्या क्या है बीमारी, बोले काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ, सब है। तो हमने कहा ऐसा क्यों हो गया, बोले हो इसलिए गया है कि बहुत घी पिया हूँ और बहुत ज़्यादा आराम तलब रहा हूँ, मेहनत नहीं किया हूँ, और गुरुदेव उल्टा पलटा दवाई भी खूब खाया हूँ। तो कुछ बोले मेरे से कि आप कोई दवा बता दो, घुटना में दर्द बहुत है,
उकड़ू बैठ नहीं पाता हूँ, गुरुमंत्र तो ले लिया हूँ, थोड़ा छूट देना पड़ेगा हमको, ऐसे ही बंदगी कर लूँगा। दोनों मैंने बताया कि आपको श्री च्यवन आयुर्वेद की रामबाण औषधि है एनार्ट पाउडर, जिसको घुटने दर्द को 7 दिन में आधा ख़त्म कर देती है। पूरा कोर्स लेने पर घुटना दर्द पूरा ठीक हो जाता है। आपके मध्य प्रदेश के कैलाश चावला जो पूर्व गृह मंत्री थे, उनके घुटना दर्द था तो उन्होंने वो दवा लिया था, एक मालिश तेल भी है, मेरे को नाम नहीं याद है, तो उनको आराम बहुत मिले था। रामपाल PWD के मिनिस्टर रामपाल राजपूत, उनके वाइफ को दर्द था तो वह 7 दिन में रिलैक्स में पहुंच गई हैं। ऐसी दवा आयुर्वेदिक श्री च्यवन आयुर्वेद सेंटर पर शायद यहाँ उपलब्ध होगी, तो देख लेना, ले लेना। और जिनके पेट में बहुत गड़बड़ी रहती हो तो पपीता खाना आप। यस पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता ना हो उसका पिता पपीता है, क्योंकि पिता भी पेट को पालन करता है, पपीता भी तुम्हारे पेट को संभालता है, तो पिताजी की तरह पपीता काम करेगा, तो पपीता खा लेना। और सुबह सुबह थोड़ा गाजर खा लेना, एक गाजर, एक मूली और एक जामफल। ये जामफल नाम क्यों रखा गया? क्योंकि पेट में अगर कोई जाम है तो उसको भी निकाल दे, वो जामफल है। और थोड़ा सा टमाटर एक ले लेना। आज मैं खाने का तरीका आपको बता देता हूँ, फिर पेट संबंधी रोग नहीं लगे। आज बता दूँ कि अगले साल बताऊँ? हैं, अभी बता दूँ? चलो बता देता हूँ। एक गाजर ले लो, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काट लो। एक मूली ले लो, छोटा छोटा, मूली मीडियम लेना, बहुत बड़ी मत लेना, छोटा छोटा काट लो। और दो टमाटर लेना मीडियम आकार के, बड़ा हो तो एक ही ले लेना, और छोटा हो तो 3 ले लेना, और मीडियम हो तो 2 ले लेना, छोटा छोटा काट दो। थोड़ा हरी मिर्च ले लेना और स्वाद के अनुसार उसको टुकड़ा टुकड़ा काट दो, उसी में काटते जाओ सब। थोड़ा सा धनिया, ये धनिया होती हरी धनिया ना, इसको छोटा छोटा काट दो उसमें। और थोड़ा सा ये फूल गोभी होती ना, फूल गोभी, इसको थोड़ी ले लो इतनी, उसको छोटा छोटा काट दो। और थोड़ा सा खीरा मिल जाए उसको छोटा छोटा काट दो। जितनी सलाद वाली चीज़ें हैं सब काट दो, मीठी चीज़ कोई मत डालना। और फिर थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक मिला दो, और सवेरे का समय हो, शाम को नहीं, सुबह, और चम्मच से उसको मिक्स करो, और फिर बैठकर प्रेम से पति पत्नी दोनों खाओ, चबा चबा कर खाओ, जल्दी जल्दी मत खाना, चबा चबा कर। और चबा चबा कर खाने के बाद फिर उसको बर्तन मांझ कर रख दो, 1 घंटे तक कुछ मत खाओ, कुछ मत पियो, पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, दूध भी नहीं। 1 घंटे में आपके पेट के अंदर भस्मक रोग पैदा होगा, भस्मक, भस्मक मतलब जो भी खाओगे सब भस्म। फिर तुम बाटी खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, खीर खाओ, पूड़ी खाओ, सब हजम। लेकिन ये कम से कम 250 ग्राम तुमको खाना है बना करके, 250 ग्राम से कम नहीं। और सुबह खाना है, शाम को मत खाना, नहीं बहुत बीमार हो जाओगे। सुबह सुबह और 12 बजे के बाद भी मत खाना, नहीं बीमार हो जाओगे। और कुछ खाने के बाद भी मत खाना, काली पेट खाना तब ठीक रहेगा। और खाने के बाद आप थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए 5 मिनट, और अगर नींद आए तो थोड़ा सो भी जाइए। और फिर आपके चेहरे का रंग 7 दिन में गुलाबी कलर होगा चेहरा, और मुस्कान आ जाएगी, और बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, स्मरण शक्ति प्रचंड हो जाएगी, निराशा उदासी खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, BP कंप्लीट हो जाएगा, शुगर कंप्लीट हो जाएगी, लकवा अटैक की संभावना खत्म हो जाएगी, और हार्ट अटैक की बीमारी खत्म हो जाएगी। हार्ट अटैक की एक फ्री की दवा बता देता हूँ, बता दूँ? ये लहसुन जो होता ना, 2-3 लहसुन की कली आप चबा करके
सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम खा लीजिए। हार्ट के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है, ये लहसुन उसका दुश्मन होता है। लहसुन जॉइंट पेन को ख़त्म करता है, लहसुन गैस ट्रबल को ख़त्म करता है, लहसुन हार्ट अटैक को पूरा रोकता है। लहसुन तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मित्र है, लेकिन ज़्यादा खाओगे तो लहसुन भी नुकसान करेगा। बस थोड़ा खाना। और यदि जिनके पेट में बहुत बड़ी कब्जियत है, कब्जियत समझते हो, लैट्रिन नहीं हो रही, कितने लोग बीड़ी पीकर लैट्रिन करते हैं, तो ये बीड़ी का धुआं कोई पंप का काम थोड़े करता है। कितने लोग लैट्रिन करते समय बीड़ी पीते हैं, बड़े विचित्र हिंदुस्तान में लोग हैं। एक पंथ दो काज, बीड़ी भी पी रहे हैं और लैट्रिन भी कर रहे हैं। तो उनसे पूछो एक एक काम करो, तो बोलते हैं बिना बीड़ी पिए लैट्रिन ही नहीं निकलती है। ये आदत अगर ऐसी बिगड़ गई है तो एक इंद्रायण की जड़ आती है। इंद्रायण आयुर्वेद में आती है, पंसारी की दुकान में मिलती, इंद्रायण याद कर लेना, लिख लो, इंद्रायण की जड़। इतनी बस खाना ही इतनी, और फिर सारी लैट्रिन निकल जाएगी आपकी। थोड़ा पानी पी लेना है। यदि आपको इंद्रायण जड़ खाने में मंगाने में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर एक श्री च्यवन आयुर्वेद की दुकान पर चूर्ण मिलता है, जिसका नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ, शायद अमृता चूर्ण है या क्या है, उसको ले लेना। हमारा एक साधु उसको खाया था, वो उधर बैठा है, पूरा दिन भर यही धंधा करता रहा वो वो चूर्ण ले लेना। मैं तो नहीं खाया हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, पर वो खा लिया था। अब वो भी कहता बिल्कुल ठीक हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। वो बहुत अच्छी दवा। और जिनका पेट बड़ा है, पेट पेट कड़ा है, पेट बड़ा है, और पेट बड़ा होता ही जा रहा है, उनके लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। वो क्या है, कपाल भांति कीजिए आप ऐसे, ये वाला कीजिए, और पेट को थोड़ा घुमाइए ऐसे, ये पेट खत्म हो जाएगा। लेकिन खाली पेट घुमाना, ऐसा नहीं रोटी दाल खा के घुमाओ तो पेट में दर्द हो जाएगा। और यदि आपको थोड़ा आलसी टाइप के हो, अपना पेट भी घुमाना नहीं चाहते, तो दूसरे क्या घुमाओगे आप, तो फिर क्या करना है, एक चूर्ण आता है, उसका नाम है मेदोहर। मेदा माने पेट होता है, वो पेट को गायब कर देता है, केवल पीठ रह जाती, पेट नहीं रह जाता, मेदोहर है। तो पीठ बचेगी, पेट नहीं बचेगा, और उसको जहाँ लिया तुमने, पेट खत्म। और पेट बढ़ने लग जाए तो समझ लो आपके 20 बीमारियां आने की सूचना मिल गई है। इसलिए पेट को कद्दू मत होने दो, पेट को एकदम अंदर रखो। तंदुरुस्ती कितनी हो, प्राचीन समय में महिलाएं आटा गेहूं का पीसती थी चक्की से, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। धान कूटती थी तो अच्छा रहता था। अब इनको काम कम हो गया तो महिलाएं भी बहुत बीमार होती। और सब बीमारियों की एक फ्री दवा बताता हूं, सारे रोग एक साथ खत्म हो जाए, ऐसा अचूक फार्मूला। वो क्या है कि आप इतना कठोर मेहनत करो कि आपके शरीर से धार बांध कर पसीना निकले, और पानी दिन में खूब पियो। आपको कोई बीमारी आ जाए तो हमारे पास शिकायत कर देना, कोई रोग नहीं रहेगा। और जोर से ठहाका मार कर हंसो। देखो वो कोई हंस के दिखा रहा है, अब पीछे है कोई, वो भी गजब है। ठहाका मार कर हंसो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, और जब मुझ में न पाई थकान तो खुद ही थक गए, खुद ही थक गए। थोड़ा हंसना भी सीखो, अकेले में बैठकर भी हंसना सीखो, पति पत्नी साथ साथ में हंसना सीखो, माँ के पास में बैठकर हंसा करो, अपने बेटों के साथ बैठकर हंसा करो। हमारे परम भक्त रजनीकांत पटेल, बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट,
गुजरात के, तो वह बाप बेटे बैठे थे और हंस रहे थे। तो मैं पहुंचा उनके घर पर, तो हमने कहा ये कौन है? बोले बेटा है। तो हमने कहा इसके साथ आनंद से रहते? बोले बिल्कुल दोस्त की तरह रहता हूँ, और हम दो ही हैं बाप बेटे, एक ही बेटा है, हंसते रहते हैं। तो मैंने कहा ये पढ़ने में ठीक है कि ऐसे ही है? तो बोले 98% नंबर लाता है गुरुदेव। मैंने कहा तुम? बोले मैं तो 99% लाता था। तो मैंने कहा तुम्हारा बाप? बोले वो मेरे से टॉप था, पूरा ब्लड ग्रुप टॉप है, पढ़ने में भी टॉप करो, ऐसा ना हो खाली हंसते ही रहो, जीरो बने रहो, पढ़ने में भी टॉप, हंसने में भी टॉप, और खुश भी रहो, चिंता बिल्कुल मत करो। आपको ज्यादा कोई चिंता लगे तो मेरी याद कर लिया करो, प्रवचन सुन लिया करो, टेंशन मत किया करो, और सब कुछ खो जाए तो सोच लेना कि संसार में हम कुछ लेकर भी नहीं आए थे और लेकर भी नहीं जाएंगे, और जो मिला तो यही मिला और खोया तो यही खोया, तो मैं चिंता क्यों करूं? गुरुदेव की कृपा होगी फिर से कमा लूंगा और फिर उन्नति हो जाएगी, लेकिन टेंशन नहीं करूंगा।